स्टूडेंट माई सेल्फ अनिल पुष्पा, मैं आज आपके लिए क्लास 12 का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नेम है फिजिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रिपरेशन डिस्कस किए थे, मैंने दो वीडियो में आपको बनाकर दिए थे। पहले वीडियो में हमने ओजोनोलाइसिस डिस्कस किया था, काफी इंपोर्टेंट मेथड है। सेकेंड में मैंने कुछ नेम ऑफ रिएक्शंस ली थी, गाटरमान रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, और इटार्ड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके आया करते हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करें, अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला वीडियो जो रहेगा वो प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। आइए सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल स्टेट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करूं तो मेरे पास सबसे फर्स्ट मेंबर हुआ करता है मेरे एल्डिहाइड का फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड हमारा जनरली गैस फॉर्म में मिला करता है। लेकिन अगर हम 40%, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है आपके लिए, अगर हम 40% फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो इसको हम लोग कहा करते हैं फॉर्मलिन। क्या कहते हैं? फॉर्मलिन कहते हैं हम इसे, 40% मिक्सचर, 40% कंपोजिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मलिन कहते हैं। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें या हम लोग कीटोन की बात करें, एसीटोन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये हमारे दोनों के दोनों वॉलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में मिला करते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड की फॉर्म में मिला करते हैं। C3 से लेकर C11 तक हमारे कलरलेस लिक्विड्स हुआ करते हैं, और अगर हम C12 टू अप टू हायर मेंबर्स जो भी हुआ करते हैं वो जनरली हमारे सॉलिड फॉर्म में हुआ करते हैं। तो यहां से क्वेश्चन हो सकता है कि एल्डिहाइड्स आपका फिजिकल स्टेट कैसा है? लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है। कीटोन मींस एसीटोन का भी आपका कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। फर्स्ट मेंबर आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है SCHO, वो आपका गैसेस फॉर्म में मिलता है। 3 to 11 तक जो मेंबर्स आते हैं, आपके 9 मेंबर जो आते हैं वो लगभग आपके सारे के सारे कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, और हायर मेंबर आपके सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। तो ये तो बात होगी फिजिकल स्टेट की। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मैं बार बार आप लोगों से प्रॉमिस करता रहता हूँ कि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी का, बॉइलिंग पॉइंट वाला जो टॉपिक है, यहां से आपको क्वेश्चन, इसे पॉज करके आप लोग आराम से नोट कर ले, पहले इसे नोट कर ले। देखिए मैं पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन हम लोग एक एग्जाम को फाइट करना चाह रहे हैं, अकेडमिक एग्जाम NCERT को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, NCERT के बेसिस पर अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक, अगला टॉपिक जो हमारा हुआ करता है वो है बॉइलिंग पॉइंट का। और मैं फिर बोल दूं, यहां से अक्सर क्वेश्चंस आता है NCERT में, यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन किए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए मैंने एल्कोहल फिनोल में भी डिस्कशन किए हैं, हेलोजन एराइन्स में भी डिस्कशन किए हैं। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं आपसे कह चुका हूं कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पर, मतलब मोलर मास पर, है ना। और अगर मैं ये भी लिख दूं कि बॉइलिंग पॉइंट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांच चेन, है ना, ये कॉन्सेप्ट आपके पहले से क्लियर थे, कोई नई चीज नहीं सीख रहे हैं। जैसे जैसे मास बढ़ेगा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, फिर सुन लीजिएगा, जैसे जैसे मास बढ़ेगा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना बढ़ेगा वीक वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए। और अगर ब्रांचिंग होगी क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वॉलिंग पॉइंट ऑफ रेंज आपका कम हो जाएगा। तो इन दो चीजों पे मैं पहले काम कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड है, एक आपके पास प्रोपेनल्डिहाइड है, ठीक है, और एक हमारे पास ब्यूटेनल्डिहाइड है, ठीक है। आप देख सकते हैं मोलर मास आपके इस फॉर्म में बढ़ रहा है, ब्यूटेनल्डिहाइड का सबसे ज्यादा वॉलिंग पॉइंट होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, प्रोपेनल्डिहाइड का उससे कम होगा, एल्डिहाइड का उससे कम, और फॉर्मल्डिहाइड का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अगर ऐसे ही हम लोग कीटोन में भी अपना कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका है प्रोपेनॉन,
ठीक है, ये है आपका ब्यूटेनॉन, और ये मैंने अगला मेमर आपके लिए बनाया पेंटेनॉन, ठीक है पेंटेनॉन, और ये हमारा अगला मेमर हुआ करता है हेक्सेनॉन। और आप देख सकते हैं मोलर मास आपका इस फॉर्म में बढ़ रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका इस फॉर्म में बढ़ रहा है, मोलर मास आपका इस फॉर्म में बढ़ रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका इस फॉर्म में बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बॉन्ड एवरेज आपका नो डाउट बढ़ेगा, जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही ज्यादा आपका वॉल्यूम पॉइंट होगा। मान लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन हो गया, एक आपको इथेनॉल दे रखा, एक आपको प्रोपेनॉल दे रखा, एक आपको ब्यूटेनॉल दे रखा है और एक आपको मीथेनॉल दे रखा, और आपसे पूछा जाए विच कंपाउंड आर मोर वॉल्यूम पॉइंट, तो नो डाउट जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ही ज्यादा रेंज होगा वॉल्यूम पॉइंट का। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे और क्वेश्चन थोड़े से चेंज करता हूँ आपके लिए। ठीक है, पॉज करके फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास, एक तो है मेरे पास ब्यूटेनल्डिहाइड और एक है मेरे पास आइसोब्यूटेनल्डिहाइड। ठीक है, एक है मेरे पास ब्यूटेनल्डिहाइड और एक है मेरे पास आइसोब्यूटेनल्डिहाइड, और अगर मैं मास की बात करूं तो मोलर मास तो दोनों का ज्यादा है, मोलर मास तो भाई दोनों का ज्यादा है सर, अब कैसे कंपेयर होगा? आपको याद होगा मैंने बोला था कि जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वॉल्यूम पॉइंट ऑफ रेंज भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ब्यूटेनल का ज्यादा होगा, ब्यूटेनल्डिहाइड का ज्यादा होगा कंपेयर देन आइसो ब्यूटेनल्डिहाइड के, क्योंकि ये आइसो फॉर्म है, यहाँ पे एक ब्रांच आ रही है आप लोग देख सकते हैं, इसका कम होगा सर और इसका सर ज्यादा होगा। तो आप इस तरीके से अपने और भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो मेरे पास पेंटेनल्डिहाइड और एक आइसोपेंटेनल्डिहाइड, तो किसका ज्यादा होगा? पेंटेनल्डिहाइड का ज्यादा होगा, किससे? आइसोपेंटेनल्डिहाइड से, क्योंकि आइसो के पास एक ब्रांच होगी। ठीक है, और ब्रांच आने से क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए पॉज कर लेते हैं, नोट पॉज करके से नोट कर लीजिए आराम से। अब मैं वॉल्यूम बॉन्ड से रिलेटेड थोड़े से अच्छी अच्छी क्वेश्चंस डिजाइन करता हूं आपके लिए, जो एनसीईआरटी में आपके आते रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये एक मेरे पास है फॉर्मल्डिहाइड, एक है मेरे पास एल्डिहाइड और एक है मेरे पास कीटोन। चलिए कीटोन ले लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको सबको पता है कि भाई इनके पास एक कार्बोनाइल ग्रुप होता है, सब लोग जानते हैं इनके पास कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एल्डिहाइड कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप का ही खेल है, और ये कैसा होता है? पोलर होता है। ये कैसा होता है? पोलर होता है। आप लोग देखते हैं जानते हैं इस चीज को, तो मैं पहले भी इसका नेचर बता चुका हूं, ये कैसा होता है? पोलर नेचर का होता है। ठीक है, ये पोलर नेचर का होता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन में किसकी नेगेटिविटी याद होगी? ऑक्सीजन की, कार्बन पर आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज, तो ये पोलर नेचर का होता है, ये बात आप पहले से जानते थे। ठीक है, पोलर नेचर होने की वजह से आपके ये जो कार्बोनाइल है, देखिए ध्यान से, पोलर नेचर होने की वजह से आपके ये जो कार्बोनाइल है इनमें होगा, यहां पे डेल नेगेटिव आएगा, यहां पे डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल नेगेटिव, यहां पे डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल नेगेटिव, यहां पे डेल पॉजिटिव, और इनके बीच में आपस में होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। मतलब आप ये मान लीजिएगा कि इनके अंदर भी एक बॉन्डिंग होगी, पोलरिटी इनकी बढ़ेगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। हालांकि वो वीक बॉन्ड होता है, वंडरवॉल्स बॉन्ड की एक कैटेगरी होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो यहां पे होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। अब इस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से क्या फायदा होगा, वही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। इस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से क्या फायदा होगा, वही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैं अपना क्वेश्चन प्रॉपरली बनाना चाहता हूं, कैसे आपको क्वेश्चन करना है पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। बस ध्यान रखना कि यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड कीटोन्स में कार्बोनाइल होगा, और एल्डिहाइड कीटोन्स में कार्बोनाइल होने की वजह से पोलरिटी आएगी, और पोलरिटी किससे? तो फाइनली हम लोगों ने सीखा कि फॉर्मल्डिहाइड के पास कार्बोनाइल है वो पोलर होगा, एल्डिहाइड में कार्बोनाइल है पोलर होगा, CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3 के पास भी कार्बोनाइल है वो पोलर बॉन्ड होगा, और इन सब पोलरिटी के बीच में आएगा एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जो अपने आप में एक वीक इंटरेक्शन होता है, एक वीक फोर्स होता है। हाइड्रोजन से तो कमजोर होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से तो कमजोरी होता है,
चलिए इसे मैं हटा देता हूं, अब आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। ठीक है, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अब आप सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, देखिए एक तो है मेरे पास इथाइल अल्कोहल, यहां से दो क्वेश्चन डिजाइन किए गए आपके लिए। एक है मेरे पास इथेनल और एक है मेरे पास डाइमिथाइल ईथर और एक है मेरे पास प्रोपेन, एक है मेरे पास प्रोपेन। ठीक है, चलिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिजाइन हो सकता है, आपसे ऑर्डर अरेंज करवाया जा सकता है, इनके हायर मेंबर्स भी आपको मिल जाते हैं। अब पहले मेरे कहने से मॉलिकुलर वेट निकालना है, इथाइल अल्कोहल का 46 होता है, इसका भी 46 ही होगा। यहां पे प्रोपेन का निकालना है, कार्बन C2 24 और 4 कितना हो गया आपका 28 और 16 कितना हो गया, ये लगभग हो गया आपका 44, कितना हो गया 44 होगा इथेनल का। प्रोपेन का देख ले, तीन कार्बन है, 12 थ्री 36 32628, ये भी कितना आ गया आपका 44 आ गया। तो ये पहले निकाल लें आप मॉलिकुलर वेट, आपसे कहेगा कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, चारों कंपाउंड्स को हमने अलग अलग कर लिया और अब हमें पता करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट सोचने लग जाएंगे सर जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा, बिल्कुल ठीक बात है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा सर उसका होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट की बात आएगी तो सबसे पहले आपस में ये दोनों लड़ने लग जाएंगे। क्यों लड़ने लग जाएंगे, क्योंकि ये कहेगा भाई मेरा भी तो 46 है, ये कहेगा मेरा भी 46 है, बिल्कुल ठीक है, पर आपको पता है इनमें से एक कौन है अल्कोहल, इनमें एक कौन है अल्कोहल, और अल्कोहल पिछले चैप्टर में मैं आपको बताकर आया हूं उनको तो वरदान मिला हुआ है और इसी वजह से वो सॉल्युबल है, क्योंकि वो एक वीक इंट्रेक्शन और कर सकते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आता है, वो एक और वीक इंट्रेक्शन कर सकते हैं जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एसोसिएशन करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड होगा तो आप जानते क्या होगा, मॉलिक्यूल सर इकट्ठे हो जाएंगे और उनको तोड़ने के लिए अब आपको ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए वॉलिंग बॉन्ड नो डाउट। अगर आज के बाद कभी भी अल्कोहल एल्डिहाइड ईथर और प्रोपेन उसके कंपेरेटिवली हाइड्रोकार्बन के सामने रखा हो तो हमेशा अल्कोहल का ज्यादा होगा, बेसिक मॉलिक्यूलर वेट उसका बराबर आए। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास प्रॉपर टेंडेंसी है एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की। तो सबसे पहले तो आ गया ए, ए का सबसे ज्यादा होगा, अब कौन लड़ेगा सर, अब तो फिर सी आएगा, सी आएगा, चलिए आप कहोगे सी आएगा, फिर कहोगे आप ये दोनों लड़ने लग जाएंगे, अब इनमें से कौन आएगा, चलिए ये सब गलत है, पहले मैं एक सही ऑर्डर लिख देता हूं, ए का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी का होगा और उसके बाद सी का होगा और उसके बाद होगा डी का। सर ये बात आपकी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आप ये कर क्या रहे हैं, आपका मोलर मास वाला सिस्टम तो पूरा फेल हो गया। चलिए मैं बोल देता हूं, ए के पास तो होगी प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर है, ए के पास तो होगी प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसोसिएशन होगा और मॉलिक्यूल बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, उन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब दिक्कत आती है कि भाई ये एल्डिहाइड है, ये ईथर है, ईथर का मोलर मास ज्यादा है, सबसे ज्यादा सी का होना चाहिए, लेकिन आप कहते हो बी का ज्यादा होगा, बिल्कुल, लेकिन मैंने अभी 5 मिनट पहले एक बात बोली थी कि आपके ये जो एल्डिहाइड है, आपके जो कीटोन है, वो आपस में भी एक इंट्रेक्शन करते हैं जिसका नाम है डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन। आ गई मेरी बात समझ में, ईथर के पास वो करेक्टर नहीं है, ईथर के पास वो करेक्टर नहीं है, ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और ना ही वो आपस में डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन करता है, और आपका जो डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड से तो छोटा है, हाइड्रोजन बॉन्ड से तो छोटा है और नॉन पोलर वालों से ज्यादा है। ठीक है, नॉन पोलर वालों से ज्यादा है, तो आपके अब बात समझ में आ गई कि सर बी का क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि बी के पास एल्डिहाइड होगा और उसके पास होगा डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन। ठीक है, डायपोल डायपोल इंट्रेक्शन करेंगे इसलिए उसका ज्यादा हो गया, अन्यथा उसका नहीं होता। अब सी और डी में तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सी का मोलर मास ज्यादा है,
46 जितना मास ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और फिर आपका कौन आता है, फिर आपका कौन आता है, प्रोपेन आता है। तो प्रोपेन का आ जाएगा, ये तो वैसे भी नॉन पोलर है, प्रोपेन आपकी कैसी है, नॉन पोलर है सर, ठीक है, प्रोपेन तो आपकी नॉन पोलर है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा ऑर्डर, ऑर्डर ABCD होगा। एक ए का क्यों ज्यादा होगा वो भी मैंने बताया, बी का क्यों ज्यादा होगा वो भी मैंने आपको बताया, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सी का क्यों नंबर आएगा उसके बाद, और फिर डी का क्यों आएगा, मैंने सब बता दिया। ऐसे लगभग 2 क्वेश्चन और जा रहे हैं NCERT में, आप लोग खुद से देख लें, खुद से कर सकते हैं, आपके समझ में आएगा। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसे पॉज करके नोट कर लीजिए आराम से, बहुत गजब का टॉपिक था हमारा। चलिए दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए। सर फिर एक बात बताइए, ये है मेरे पास एल्डिहाइड, एक तो मेरे पास एल्डिहाइड है और एक मेरे पास कीटोन है, 2-3 क्वेश्चन बना रहा हूं इन्हीं के ऊपर। सर दोनों का मोलर मास सेम होगा, बिल्कुल, दोनों आइसोमर है, दोनों के दोनों अपने आप में फंक्शनल आइसोमर है, आप देख लीजिएगा दोनों के दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं, C3H6O, ये इनका होगा मॉलिकुलर फॉर्मूला, और दोनों के दोनों आइसोमर्स हैं किसके, फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, दोनों के दोनों फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि सर इन दोनों का मोलर मास सेम होगा, इन दोनों का मोलर मास सेम होगा, आप लोग देख सकते हैं बड़े आसानी से देख सकते हैं दोनों का मोलर मास सेम होगा, और कितना होगा आप लगा लें, 36, 16, 3, 2, 5 और 1, 6, कितना हो गया हमारा लगभग 60, 18 और 3, 1, 58 हो गया शायद मेरे बच्चे, कितना हो गया 58 हो जाएगा। तो इसका मॉलिकुलर वेट भी आपका कितना है 58, और इसका मॉलिकुलर वेट भी आपका कितना आया करता है 58। तो सर अब कैसे कंपेयर करेंगे, या तो दोनों का मास सेम है, दोनों के दोनों डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करने के लिए तैयार रहते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, अब कैसे कंपेयर होगा कि किसका ज्यादा होगा। हमेशा याद रखेंगे कीटोन का डायपोल, कीटोन का वॉलिंग बॉन्ड हमेशा ज्यादा होगा, मैं अभी रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब भी आइसोमेरिक एल्डिहाइड कीटोन में कंपेयर आप कर रहे हो तो कीटोन का वॉलिंग बॉन्ड ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, एल्डिहाइड से, ठीक है, एसीटोन का वॉलिंग बॉन्ड ज्यादा होगा आपके एल्डिहाइड से, क्यों होगा, क्योंकि इसका डायपोल मूवमेंट होगा लगभग 2.80 और इसका डायपोल मूवमेंट होगा लगभग 2.52 के आसपास होगा। और मैं आपको कैसे बताऊं कि आपका ये जो डायपोल मूवमेंट होता है ये पैरामीटर होता है पोलरिटी का, क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये सब पढ़ते हैं, डायपोल मूवमेंट हम पढ़ते हैं। तो मोर डायपोल मूवमेंट होने के कारण क्या हो गया, पोलरिटी बढ़ गई किसकी, कीटोन की पोलरिटी बढ़ गई, और जितनी ज्यादा पोलरिटी होगी उतना ही ज्यादा आपका बॉलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। डायपोल मोमेंट के बेसिस पर हमने कंपेयर किया है, पोलरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, कीटोन की पोलरिटी बढ़ जाएगी। फिर दूसरी बात है कि इसमें सर स्टेबल कौन होगा, एल्डिहाइड कीटोन्स में आपस में हम कंपेयर करने बढ़ जाए तो स्टेबल कौन कौन होगा, तो आप देखें कीटोन ही स्टेबल होगा, कीटोन ही स्टेबल होगा, देख लीजिएगा आपका कीटोन ही स्टेबल होगा, नॉट एल्डिहाइड, क्योंकि कीटोन के पास 2+ I इफेक्ट है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहे हैं और यहां पर केवल 1+ I है जो कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करता है। तो 2+ I इफेक्ट है इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी एनर्जी कितनी होगी, कम एनर्जी कितनी होगी, लेस एनर्जी होगी, ध्यान रखें थोड़ा सा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो 2-3 बातें मैंने बना दी एल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर। आइए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, वॉलिंग बॉन्ड से रिलेटेड हमारी बातें होगी लगभग सारी, वॉलिंग बॉन्ड से रिलेटेड कितने भी टॉपिक्स बन सकते थे, क्वेश्चंस बन सकते थे, मेरी लगभग आपसे बात हो गई। एक छोटा सा पॉइंट और मैं बता दूं, एल्डिहाइड कीटोन्स वाटर से हल्के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स आपके वाटर से कैसे होते हैं, हैवी नहीं हल्के होते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी डेंसिटी भी कम होती है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, डेंसिटी भी उनकी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है सॉल्युबिलिटी,
अगला टॉपिक है सोलिबिलिटी की बात करते हैं। सोलिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको पहले से पता है कि यहां तो हम एक ही कॉन्सेप्ट लागू करते हैं जिसका नाम है लाइक डिजोल्व लाइक। हम एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते होंगे, पोलर पोलर पर डिजोल्व होना पसंद करेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर डिजोल्व होना पसंद करेगा। तो सर मेरे जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इनसोल्युबल होते हैं, जनरली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इनसोल्युबल होते हैं, लेकिन ये कैसे होंगे, सोल्युबल होंगे या इनसोल्युबल होंगे? तो सुन लीजिएगा, लोअर मेंबर ओनली, लोअर मेंबर आपके सबके सब वाटर सोल्युबल होंगे, ओनली लोअर मेंबर, बिकॉज ड्यू टू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, वीक इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन करेंगे, हाइड्रोजन केवल लोअर मेंबर्स बनाते हैं, बड़े मेंबर्स नहीं बनाते, इसी से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लोअर मेंबर्स बनाते हैं, बड़े मेंबर्स नहीं बनाते, थोड़ा सा याद रखेंगे चीजों का आप लोग, ठीक है, लोअर मेंबर्स बनाते हैं, बड़े मेंबर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने एक फॉर्मेशन कर दिया है, ठीक है, लोअर मेंबर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो आप जानते ही हैं क्या होगा, मैं पिछले चैप्टर में भी चीख चीख के बता के आया आप लोगों को, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगी, पोलरिटी आ जाएगी, ठीक है, वाटर पोलर होता है, मॉलिक्यूलर पोलरिटी आ जाएगी, तो वो आपको लाइक डिजोल्व लाइक को फॉलो करेगा, इसलिए सॉल्युबल होगा। लेकिन लोअर मेंबर तो वाटर सॉल्युबल होंगे, लेकिन हायर मेंबर क्या होंगे सर? लोअर मेंबर की तो बात हो गई, हायर मेंबर इनसॉल्युबल होंगे, सुन लीजिएगा, हायर मेंबर आपके इनसॉल्युबल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे नॉन पोलर पार्ट बढ़ते जाएंगे, ग्रुप में वल्कनाइजेशन बढ़ता जाएगा, ग्रुप बड़े होते जाएंगे, एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, पोलरिटी आपकी रिड्यूस होने लग जाएगी, तो इसलिए हायर मेंबर तो आपके इनसॉल्युबल होंगे, केवल लोअर मेंबर याद रखेंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे, और क्यों होंगे? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो ये होगी सॉल्युबिलिटी की बात, वॉल्यूम की बात हो गई, फिजिकल स्टेट की बात हो गई, अब मैं बात करता हूं स्मेल की, स्मेल की बात कर। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, हमारी फिजिकल स्टेट की बात हो गई, हमारे वॉल्यूम बॉन्ड्स की बात हो गई, वॉल्यूम बॉन्ड्स में क्या क्या क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, मेरी आपसे ये बात हो गई, सॉल्युबिलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, सॉल्युबिलिटी की भी बात हो गई हमारी आपसे। अब हम बात करेंगे स्मेल की। स्मेल अक्सर हमसे दो कंपाउंड्स की पूछी जाती रही है, आप इन दोनों कंपाउंड्स के बारे में स्पेशली थोड़ा सा याद रखेंगे, एक तो बेंजल्डिहाइड के बारे में और एक आप याद रखेंगे सिनेमल्डिहाइड्स के बारे में, ठीक है। बेंजल्डिहाइड की जो स्मेल होती है वो बिटर एलमोंड्स जैसी होती है, जैसे कि लाइक कड़वे बादाम जैसी, और ये जो आपकी सिनेमल्डिहाइड होती है उसकी सिनेमोल स्मेल होती है, जैसे कि आपके दलचीनी की जो स्मेल होती है, इस टाइप की स्मेल्स आपकी आती है। और आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो और भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। आज के लिए थैंक यू।